नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चार धाम रूट पर उत्तराखंड में खराब मौसम फिर देगा टेंशन। केदारनाथ बद्रीनाथ समेत चार धामों पर दोस्तों जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। बढ़ते तापमान की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बहुत बड़ी खबर IMD ने दी है। ऐसे में अब उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम पूर्व अनुमान में अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ सहित चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले महीने केदारनाथ में बर्फबारी के बाद तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई थी। चारों धामों में यूपी, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, NCR सहित देश के अन्य राज्यों में तीर्थ यात्री दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में 15 जून से 4 दिन जबरदस्त बारिश होने की अति प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन पर्वतीय जिलों में बारिश और आकाश से बिजली चमकने और तेज हवाओं का दोस्तों येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों के अंदर कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। लगभग 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं दोस्तों 24 घंटों के भीतर गढ़वाल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों के अंदर भी दोस्तों तेज रफ्तार से आंधी तूफान चल सकता है और भारी भयंकर बारिश भी हो सकती है। इस समय आपको बता दें, भारत के अंदर दोस्तों भयंकर तूफान आया है जिसका नाम है बिपरजॉय। बिपरजॉय अगले कुछ घंटों के भीतर गुजरात के अंदर दोस्तों तबाही मचाने वाला है। गुजरात के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे की ओर बढ़ रहा है और अगले कुछ घंटों के भीतर गुजरात के कच्छ से दोस्तों टकराने वाला है। दोस्तों भारत के अलावा यह तूफान पाकिस्तान के कराची में भी जाएगा और वहां भी भयंकर तबाही मचाएगा। मौसम विभाग ने आज और कल दोस्तों गुजरात के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कल दोस्तों गुजरात के अलावा मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर भी जबरदस्त बारिश होने की अति प्रबल संभावना है। आप सभी दोस्तों से अपील है कि भारी बारिश, आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकलें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।